हम अक्सर कई चीज़ों को लाकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, फिर चाहे वो ब्रेड हो, ड्राई फ्रूट्स हो और कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो हम फ्रिज में रखते हैं, टमाटर, अदरक। लेकिन बात अगर ठंड की करें तो इस समय अदरक का भरपूर इस्तेमाल होता है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि इसे फ्रिज में रखना चाहिए तो कई लोग इसे फ्रिज के बाहर रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें फ्रिज में रखने से इनका टेस्ट और टेक्सचर बिगड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर घरों में ये सभी चीज़ें फ्रिज में स्टोर कर दी जाती हैं। कई बार तो सिर्फ इस मकसद से हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं कि ऐसा करने से इनकी लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप भी अदरक फ्रिज में रखते हैं तो क्या ये सही है। सबसे पहली बात, अदरक लाने के बाद धोकर ज्यादातर लोग इसे फ्रिज में रखते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि एक तो अदरक लंबे समय तक सूखता नहीं और जब सूखता है तो इससे सौंठ बन जाती है। सूखे हुए अदरक को ही हम सौंठ कहते हैं, जिसे आप पीस कर या कूट कर यूज कर सकते हैं। जबकि फ्रिज में रखने के बाद एक समय के बाद अदरक गलने लग जाता है। जी हाँ, अदरक का जो टेक्सचर और स्वाद है ये दोनों ही खराब हो जाता है, और इसके बाद इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर आप अदरक फ्रिज में रख रहे हैं तो उसे एयर टाइट करके रखें। वैसे अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन फ्रिज के बाहर रखने का है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अदरक का टेस्ट नहीं चेंज होगा और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।